बाजार से सब्जी और दूसरी चीजें लाकर फ्रिज में रखना सबकी आदत होती है। गृहिणियां अपने घर में खाने पीने की चीजें फ्रिज में ही रखना पसंद करती हैं। मौसम के हिसाब से चीजों को फ्रिज में रखना बेहतर होता है ताकि उसका इस्तेमाल कई दिनों तक किया जा सके। लेकिन कई बार खाने पीने की कुछ चीजें फ्रिज में रखना नुकसानदायक हो सकता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें जिन्हें फ्रिज में रखना और दोबारा उनका इस्तेमाल करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। टमाटर और ऐसी सब्जियां जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, उन्हें फ्रिज में रखना न केवल सब्जी को खराब कर सकता है बल्कि एक हद तक फ्रिज के ठंडे तापमान में गल जाती हैं। कई बार लोग टमाटर दो दो तीन तीन दिन तक के लिए फ्रिज में रखकर छोड़ देते हैं, जिससे वे न केवल गल जाते हैं बल्कि उनमें कीड़े तो पड़ते ही हैं बल्कि बैक्टीरिया भी हो जाते हैं। कई बार सब्जियां बदबू भी मारने लगती हैं। ऐसे में ये न केवल खराब होते हैं बल्कि ये फ्रिज में दूसरी चीजों को भी खराब करते हैं। इन सब्जियों का इस्तेमाल खाने में करना सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। सोया सॉस को भी आपको फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। जानकारों की माने तो सोया सॉस, टोमेटो केचप जैसी कई चीजें, इन्हें फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। केले को भी आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। केले को फ्रिज में रखने से ये काला पड़ जाता है और आसपास के फलों को भी पका देता है। कॉफी को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। कॉफी को फ्रिज में रखने से इसकी सुगंध चली जाती है और टेस्ट भी खराब हो जाता है। साइट्रिक एसिड वाले फल जैसे नींबू, कीनू और संतरा, इन्हें आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। फ्रिज में रखने से ये सूखने लगते हैं और सभी का स्वाद भी खराब हो जाता है। ड्राई फ्रूट्स को भी आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है। काजू, बादाम, अखरोट और अंजीर जैसी चीजों को फ्रिज में रखने से इसका स्वाद चला जाता है। अमर उजाला.com